आज 3 अगस्त है। 3 अगस्त साल के 8वें महीने का तीसरा दिन भारत और विश्व इतिहास में अपना एक खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने लंदन ओलंपिक में आज के दिन 3 अगस्त 2012 को 17वां गोल्ड मेडल जीता था। फेल्प्स के नाम ओलंपिक के रिकॉर्ड 28 मेडल हैं, जिनमें से 23 गोल्ड हैं। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का सबसे सफल एथलीट बना दिया। 30 जून 1985 को मैरीलैंड के बाल्टीमोर में जन्मे फेल्प्स ने 7 साल की उम्र में ही तैराकी करना शुरू कर दिया था। आज ही के दिन 3 अगस्त 1957 को अब्दुल रहमान को मलेशिया का नया नेता चुना गया था, जिनके नेतृत्व में मलेशिया ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। ब्रिटेन में शिक्षा पाने वाले अब्दुल रहमान वैसे तो राज परिवार से आते थे, लेकिन उन्हें हमेशा आम आदमी का नेता कहा जाता था। आज ही के दिन 3 अगस्त 1958 में अमेरिकी सबमरीन यूएसएस नॉटिलस ने नॉर्थ पोल को पार किया था। ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली सबमरीन बन गई थी। नॉर्थ पोल को पार करने के 96 घंटे बाद 7 अगस्त को सबमरीन ग्रीनलैंड पहुंची। आपको बता दें कि 9 जून 1958 को नॉटिलस अपने मिशन पर निकली, लेकिन नॉर्थ पोल में एक बड़ी समुद्री चट्टान की वजह से मिशन रद्द करना पड़ा। 1 अगस्त को मिशन दोबारा शुरू किया गया था। भारत में आज के दिन 3 अगस्त 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी। एनर्जी कमीशन की स्थापना परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक ढंग से उपयोग में लाने संबंधी नीतियों को बनाने के लिए की गई थी। भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में पहला स्थान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का आता है। इसे मुंबई के निकट ट्रांबे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के रूप में 1957 में स्थापित किया गया था और 1967 में इसका नाम बदलकर इसके संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की याद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क रख दिया गया था। शकील बदायूनी का आज के दिन 3 अगस्त 1916 को जन्म हुआ था। शकील बदायूनी भारत के महान गीतकार और शायर थे। अपनी शायरी की बेपनाह कामयाबी से उत्साहित होकर उन्होंने अपनी आपूर्ति विभाग की सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और साल 1946 में दिल्ली से मुंबई आ गए थे। शकील बदायूनी को अपने गीतों के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।